मैं आलोक जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं, चूंकि अभी अभी आपका और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पैचअप हो गया है। ये पैचअप मजबूरी में हुआ है या मजबूती के लिए हुआ है? अभी तक तो आप लोग रिजिड नजर आ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, क्या बदल गया ऐसा आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है कि किसी ने भी कोई भी टिप्पणी जो अध्यादेश आया उसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से नहीं की थी, और ना ही हमारा आधिकारिक स्टैंड आया था। तो पैचअप हो गया, पैचअप टूट गया, ये सब मीडिया की क्रिएशंस हैं, मीडिया के साथियों की क्रिएशंस हैं। कल भी हमने स्टेटमेंट दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कि जो भी अध्यादेश या जो भी चीज़ हमारे संविधान हमारे लोकतंत्र को कमजोर करेगी, हम उसके खिलाफ रहेंगे, और पहले भी हम खिलाफ रहे हैं। आज भी हम अध्यादेश के विरोध में हैं, क्योंकि अध्यादेश संविधान के खिलाफ है। तो कहीं पैचअप हो गया, कहीं मजबूरी है, कहीं पर कुछ नहीं है। जिनकी मजबूरी थी वो तो ऑलरेडी बीजेपी में चले गए हैं, जिनकी मजबूरी बीजेपी से होगी वो इधर उधर जाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र इस समय जिस अवस्था में है उसको बचाने के लिए जिस तरह से चक्की पीसिंग लोग आजकल मंत्री बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही कदम। ठीक है आलोक शर्मा जी, बेशक अभी आप कह दें, लेकिन आप और मैं कई बार इस पर डिबेट कर चुके हैं, तब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ आप क्या कहते थे ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब ये किसकी मजबूरी है किसकी नहीं है सब जानते हैं। मैं उत्तर, प्राची जी मैं उत्तर देना चाहूंगा यहाँ पर। प्राची जी मैं यहाँ उत्तर देना चाहूंगा छोटा सा। बोलिए सर। आम आदमी पार्टी की तमाम चीजों के मैं आज भी खिलाफ हूँ। अगर उन्होंने 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ फैसला लिया तो हम आज भी उसके खिलाफ हैं। अगर राजीव गांधी जी का भारत रत्न लेने की उन्होंने बात की तब हम भी खिलाफ हैं उसके, आज भी खिलाफ हैं उस चीज के। केजरीवाल जी अगर किसी भी तरह की कोई बात ऐसी करेंगे आगे भी, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहली पार्टी होगी जो खिलाफत भी करेगी। ठीक। हमने केजरीवाल पार्टी का हाथ नहीं पकड़ा, हमने उस अध्यादेश का विरोध किया है जो अध्यादेश भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। आज भी अगर पार्टी केजरीवाल की तरफ से कोई इस तरह की चीज आएगी हम उसका आज भी विरोध करेंगे। गठबंधन कैसा होगा, किस शेप में होगा, ये आगे तय होगा, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है वो अध्यादेश हमें ठीक नहीं लगा। वो अध्यादेश कहीं ना कहीं बिल्कुल इस अध्यादेश की वजह से गांठ पड़ी हुई थी, वो गांठ कम से कम कांग्रेस के स्टैंड ने सुलझा दी है। अब राकेश सिन्हा जी, आप बार बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जिक्र भारतीय जनता पार्टी किया करती थी, देखिए गांठ भी खुल गई, और जो लोग आपको पानी पी पी कर कोसा करते थे उन लोगों को भी आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये एकजुट होते विपक्ष की वजह से अब आप लोग कदम उठा रहे हैं, ये आपकी घबराहट है, बौखलाहट है, या वाकई में एनडीए को और मजबूत करना है? देखिए वास्तव में क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्रीय मिशन के साथ काम कर रहे हैं। उस राष्ट्रीय मिशन का 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा है कि भारत को देश के भीतर सशक्त बनाना, सबके प्रयास सबके विकास को रखना, सबका प्रतिनिधित्व। यह देश 1952 से चुनाव को देख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश का रहा है जो समाजवादी प्रकार के समाज के कांग्रेस के नारे और आम आदमी के छलावे, इन पार्टियों के छलावे में ये वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में। ऐसी तमाम हाशिए के लोगों को प्रतिनिधित्व के स्तर पर लाना, सो यह जो एनडीए है वो एनडीए सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये एक मिशन का हिस्सा है। उस मिशन के हिस्सा में भारत को एक विकास के रास्ते पर ले जाना, जो आज हम सब सड़कों पर आलोक जी हंस रहे हैं, लेकिन जब 5G मिलता है, जब बड़े अच्छे सड़कों पर उनकी गाड़ी दौड़ती है, जिस स्टूडियो आने में आलोक जी कई बार लेट हो जाते थे 2014 से पहले, और आलोक जी मुझे कहते थे राकेश जी सड़क अच्छी नहीं थी, आज आलोक जी सही समय पर स्टूडियो पहुंचते हैं, लेकिन विपक्ष में है वे व्यंग करें, हंसे, उलाना दें, उनका स्वागत करते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पेरिस में मैक्रोन से मिलते हैं, जब बाइडेन से अमेरिका में मिलते हैं, तो आप वो गुणात्मकता को देखिए। मैं नहीं कहता कि हमारे बाकी प्रधानमंत्रियों को कोई अनादर हुआ है, लेकिन उस गुणात्मकता को देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से अपनी शख्सियत और दृष्टि से भारत क्लाइमेट से लेकर आर्थिक क्षेत्र में कैसे एक निर्णायक हस्तक्षेपकर्ता बन गया है। कभी हमने सोचा था क्या कि भारत का प्रधानमंत्री और भारतवर्ष अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देश के निर्णय मंडली का अनौपचारिक रूप से स्वतः हिस्सा बन जाएगा। इस यह जो मिशन है उस मिशन को मजबूत बनाने के लिए हम एक हो रहे हैं। जहां तक यूपीए के गठबंधन की बात है, गांठों के साथ जो बंधन हो रहा है, आप देखिए आलोक जी ने जो कहा आम आदमी पार्टी के बारे में, जो बाध्यताएं इनकी हैं वो बाध्यता क्या है मैं बता दे रहा हूं।
अपने अस्तित्व को बचाने की, दशकों से देश को लूटा है इन्होंने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं, और आम आदमी पार्टी जो जन आंदोलन से निकली, उस जन आंदोलन के प्रति शायद आलोक जी की सहमति थी या ना थी, मेरी सहमति थी। हम सड़कों पे उस नारे में जाते थे, हमें लगता था कि चलो कोई एक नया परिवर्तन आएगा। उस आम आदमी पार्टी ने जनता को कैसा धोखा दिया है, जन आंदोलन की विश्वसनीयता को ही समाप्त कर दिया है। आगे से प्राची जी, हम और आप जन आंदोलन करने निकलेंगे तो लोग कहेंगे आप अरविंद केजरीवाल बनेंगे क्या? जिस पार्टी के आधे दर्जन लोग जेल में, कांग्रेस पार्टी के लोग बार बार कहते सीबीआई ईडी, और अभी समाजवादी पार्टी, मैंने सब पार्टियों ने राज्यों का हालत खास्ता कर दिया। समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं, जब तक उत्तर प्रदेश के शासन में थे और योगी जी के शासन के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।